बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और ये बुक जो है इस टाइम पर डिजिटल बुक है और इस बुक का प्राइस है 1499 रुपये, और इस बुक में जो टोटल पेजेस हैं वो हैं 1440 पेज, ठीक है। एंड हमने क्या किया है, जिन 20 सब्जेक्ट्स को कंबाइन करके ये बुक बनाई है उन 20 के 20 सब्जेक्ट्स को हमने सेपरेट सेपरेट भी अवेलेबल अपनी ऐप पर कराया हुआ है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बाय करना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को भी बाय कर सकते हैं, और उसका प्राइस जो है हर एक सब्जेक्ट का 99 रुपये है, ठीक है। तो आप बच्चों के कंफर्टेबल जोन के हिसाब से हमने दोनों तरीके से अवेलेबल करा दी है अपनी ऐप पर, और हमारी ऐप का जो लिंक है वो हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। आज हम इंटीग्रल इक्वेशन एंड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में नेक्स्ट एग्जाम्पल करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है कन्वर्जन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टू इंटीग्रल इक्वेशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। जो हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी, उसे हमें कन्वर्ट करना होगा इंटीग्रल इक्वेशन में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमने 4 स्टेप यहाँ पे ड्राइव किए थे। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है बेटा हमारे पास, कि जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको इक्वल मानेंगे अननोन फंक्शन के। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन जब बन के आती है तो वहाँ पे इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन बैठा होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको इक्वल टू मानेंगे अननोन फंक्शन के। सेकेंड स्टेप जो है वो ये है कि जो हमने फर्स्ट स्टेप में कंसिडर किया है, जो माना है, उसको हम उसकी इंटीग्रेशन हम तब तक करेंगे जब तक के डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, कि जो भी हमने सेकंड स्टेप में किया है, ठीक है, वहां से जो वैल्यूज निकल के आई हैं वो सभी की सभी वैल्यूज हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और स्टेप नंबर 4 में फाइनली जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें इंटीग्रल इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स आपको माइंड में सेट करके रखने हैं। चलते हैं अपने एग्जांपल पर, ठीक है। इससे पहले हमने आई थिंक 4 या 5 एग्जांपल कर लिए हैं, अब आज का हमारा ये एग्जांपल है। देखो, फॉर्म एन इंटीग्रल इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय दिस और विद इनिशियल कंडीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, कि मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे क्या है, गिवन है। अब मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के करोस्पोंडिंग मुझे इंटीग्रल इक्वेशन क्या बनानी है, लेके आनी है, और साथ में ही हमारे पास यहाँ पे इनिशियल कंडीशंस गिवन है, तो दिस इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्लियर, बात समझ आई। तो हमारा क्या होता था, हमें इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होती थी, हमें इसे कन्वर्ट करना होता था इंटीग्रल इक्वेशन में, और यहाँ पे जो कंडीशंस गिवन होती थी वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, मतलब इनिशियल कंडीशंस गिवन होती थी। इसका मतलब क्या होता था हमारे पास, कि एक्स की जैसे वाई ऑफ एक्स गिवन है, वाई डैश ऑफ एक्स गिवन है, या वाई डबल डैश ऑफ एक्स गिवन है, तो यहाँ पे एक्स की सेम वैल्यू होनी चाहिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे चेक करो, एक्स की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, तो x की सेम वैल्यू पे y उसके डेरिवेटिव्स का गिवन होना ही इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को दिखाता है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में हमने देख लिया कि x की सेम वैल्यू दे रखी है, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या है, गिवन है बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, साथ में जो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो हमें लेके आना है दिस इंटीग्रल इक्वेशन। तो वही 4 स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन होगी, इंटीग्रल इक्वेशन हमें लेके आनी है, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, मतलब जो कंडीशंस हैं वो हमारे पास क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड, मतलब एक्स की सेम वैल्यू होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। तो ये पूरी पूरी प्रॉब्लम क्या होगी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं अपना स्टेप्स पे।
अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बेटा हमारे स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा कहता है कि जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें हमें क्या करना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू रखना है अननोन फंक्शन के। दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? ठीक है, तो अब हम हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखने के लिए हम जाएंगे हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें। ठीक है, अब देखो यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इस तरीके से, ये तो आपको ये चीज कहाँ से ध्यान देना, आप कहोगे कि यहाँ पे तो डेरिवेटिव का दिखाई नहीं दे रहा। बेटा छोटी सी बचपन से हम जब क्लासेस में देखते थे तो हमने ये चीज पढ़ी हुई थी, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम किस तरीके से डिनोट करते थे, वाई डैश एक्स, डी स्केयर वाई अपॉन मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम वाई डबल डैश एक्स। ठीक है, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, दिस। तो यही जो चीज दी हुई है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओके बात समझ आ गई? तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई भी है और मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो निकल के आएगी वो आएगी ये दिस, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस के टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हमें देखना है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे वाई क्या है मेरे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और कहीं तो तुम्हें कोई डेरिवेटिव दिखाई नहीं दे रहा। आपको सिंपल सा डेरिवेटिव कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे, यहाँ तो कुछ डेरिवेटिव है नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा है, तो यही है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है हमारे पास, दिस। अब इसको किसके इक्वल मानेंगे, अननोन फंक्शन, अननोन फंक्शन हमने मान लिया, बात समझ आ गई? दिस इज स्टेप नंबर फर्स्ट और यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड में ये चीज लिखी हुई है। तो अब हम जो इसका सॉल्यूशन है वो करना शुरू करते हैं। ठीक है बेटा, ये मैंने आपको बता दिया कि स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास। अब देखो यहां तक तो हमारे पास क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखा है, हेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ना उसको लिख दिया। देखो इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं, छोटे क्लासेस में हम लिखते थे। ठीक है बेटा, और ये चीज एज इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन हमारे पास ये है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इनिशियल कंडीशन लिख दी, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो इक्वेशन नंबर थर्ड इन्होंने यहाँ पे कंसीडर किया है, लेट अस सपोज, वो क्या है बेटा, वो यही है जो हमने स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको बताया है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू लेना है अननोन फंक्शन के, और यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है मेरे पास बेटा कहीं और डेरिवेटिव दिखाई नहीं दे रहा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है दिस, तो दिस इक्वल टू अननोन फंक्शन, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हो गया हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट। क्लियर बेटा? ठीक है, अब आगे देखो, जब स्टेप नंबर हमारे पास फर्स्ट हो चुका है तो स्टेप नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है कि जो मैंने स्टेप नंबर फर्स्ट में कंसीडर किया है, जो मैंने स्टेप नंबर फर्स्ट में कंसीडर किया है, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमने कंसीडर किया है बेटा, दिस इक्वल टू अननोन फंक्शन, स्टेप नंबर फर्स्ट में। अब स्टेप नंबर सेकंड ये कहता है बेटा कि मैं इस पोर्शन को, इस पूरे पोर्शन को मैं तब तक इंटीग्रेट करती रहूंगी जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास अगर सिंपल सी आप बात करो तो मेरे पास ये है, तो अगर इसको मैं एक बार इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे कम हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर अगेन एक बार इंटीग्रेट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा दिस, फिर एक बार और इंटीग्रेट करूंगी तो तब आएगा मेरे पास वाई।
ठीक है। तो स्टेप नंबर जो सेकंड है वो ये कहता है कि इस वाले पूरे पोर्शन को मुझे तब तक इंटीग्रेट करना है जब तक कि हमारे पास डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। तो मैंने इसका एक बार किया तो ये आया, फिर अगेन किया ये आया, फिर अगेन किया तो ये आया, यहाँ पे आके हमें डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हमारा ओवर हो गया। बात समझ आई? तब तक करते रहना है जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए, मतलब हमारे पास सिंपल वाई की वैल्यू आ जाए। ठीक है, देखो यहाँ था, यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ गायब हो गया। तो इसका मतलब आपने अगर यहाँ ध्यान दिया होगा तो एक बार इंटीग्रेशन यहाँ पे होगी, फिर सेकेंड टाइम यहाँ पे होगी और थर्ड टाइम यहाँ पे होगी, तो हमें 3 बार इंटीग्रेशन करनी होगी, स्टेप नंबर 2। तो अब चलते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया, अब इसको स्टेप नंबर 2, यहां से स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन इक्वेशन नंबर 3 को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to x वी गेट। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला, अब ये तो मैंने बता दिया कि इसको इंटीग्रेट करना है, और कब तक करना है, जब तक कि हमारे पास डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए। और यहां से मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमें 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बार हम कर रहे हैं यहाँ पे इसको। अब देखो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन जो करनी है वो करनी है एक्स के रेस्पेक्ट में, और जब हमने इसका आर्टिकल किया था तो वहां पे ये था ए से फ्रॉम ए टू एक्स। अब देखो ए क्या था हमारे पास, ए था हमारे पास बेटे यहाँ पे वाई ऑफ ए, वाई डैश ऑफ ए, ये था। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास, 0, तो इसलिए यहाँ पे 0 to x। तो आई होप ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि 0 to x कहाँ से आया। ठीक है बेटा, 0 to x, देन तब हमने ये चीज हमारे पास आ गई। अब कैसे आई वो देखना, इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेट किया है, तो देखो इंटीग्रेशन इसका, ठीक है ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, 0 से x तक, इतना क्लियर। इक्वल टू इधर भी सेम इंटीग्रेशन किसका, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में 0 से x। तो ये वाला पोर्शन तो एज इट इज है, इतना क्लियर। इसको सॉल्व करके ये चीज लिखा है, कैसे लिखा है वो मैं बता देती हूँ। देखो इस पोर्शन को मैं 0 to x, इसको, इस वाले को मैं क्या लिख सकती हूँ, d/dx और दिस, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे इसका एक बार और डेरिवेटिव, तो ये पूरा का पूरा कितने हो जाएंगे, 3 टाइम्स। ठीक है, इतना के लिए यहां से दिस दिस, ओके। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to x और दिस, इतना क्लियर बेटा, ये बच गया मेरे पास। अब हमें बचपन से ये चीज पता है कि इंटीग्रेशन dx क्या होता है मेरे पास, x इसके साथ वाला। तो यही चीज यहां पे करना कि इस पूरे की इंटीग्रेशन क्या होगी, इसके ये साथ वाला जो, इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, डिस्क ये वाला, अंदर वाला, ठीक है। और जो लिमिट्स है हमारे पास, वो लिमिट्स हमने एज इट इज लगा दी, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने ये बता दिया कि ये कैसे आया, हमने इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आया। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे, और इसका एक बार और डेरिवेटिव, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, 2 + 1 = 3। ठीक है, इसको यहाँ से दिस, और इसको इसका, हमारा डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, दिस टू दिस। ओके बेटा, चलो यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखो, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके, आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे
तो हमने लिख दिया इसको ये दिस और इसको ये, तो एज इट इज है। अब देखो जब भी हमारे पास जैसे सॉल्व होके कुछ भी आ जाता है, डी अभी हमारे पास ये आया है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिमिट्स है, तो अपर लिमिट्स माइनस की लोअर लिमिट, ये फंडा होता है। ठीक है, तो अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट रखने से पहले हम क्या करेंगे, हमने अभी ये चीज पढ़ी है बेटा कि इसको मैं क्या डिनोट कर सकती हूँ, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, सिर्फ लिखने का रिप्रेजेंट करने का फंडा है यहाँ पे कि हमें जब जरूरत पड़ी हमने ऐसे ले लिया, हमें जब जरूरत पड़ी हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, लिखने वाला फंडा है ये। ओके बेटा, तो हम इसकी जगह लिख देंगे ये, तो जब मैं यहाँ पे इसकी जगह लिख दूंगी दिस, तो मेरे पास यही तो है, इसकी जगह लिख दिया मैंने दिस। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, एक्स की जगह जीरो, एक्स की जगह एक्स पुट किया और एक्स की जगह जीरो पुट किया। ठीक है, अब इसी को वापस मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, माइनस वाई डबल डैश जीरो। आई होप ये फंडा क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, अब ये चीज मेरे पास एज इट इज है। अब देखो ये वाला मेरे पास यहाँ पे एज इट इज, अब जब इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या है, वाई डबल डैश की वैल्यू एट जीरो पे, तो हम जाएंगे जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन है, इसकी वैल्यू है मेरे पास इक्वल टू वन, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, डी स्केयर वाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस के वन इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स यू ऑफ एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब मैं इसकी अगर वैल्यू निकालती हूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, दिस, ये इधर माइनस में इधर जाके प्लस में, और ये एज इट इज, कोई दिक्कत, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, प्लस वन इंटीग्रेशन जीरो से एक्स यू ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। ओके अब देखो यहां तक आने के बाद मैं हर क्वेश्चन में आपको यही चीज बोलती आई हूँ कि जब आपके यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई और इंटीग्रेशन के अंदर अगर आपको नॉन फंक्शन इस तरीके का दिखाई दे रहा है तो आपको उसे हाथों हाथ कन्वर्ट करना होगा इस तरीके से, क्योंकि जब हम इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी तो वो मुझे इस टाइप की चाहिए, मतलब इंटीग्रल साइन के अंदर इस तरीके का नॉन फंक्शन बैठा होना चाहिए यू ऑफ टी की फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, और ये चीज हमें पता है कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम वेरिएबल को चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ये एज इट इज, देखो यहाँ पे देखो दिस पोर्शन एज इट इज, दिस पोर्शन एज इट इज प्लस इंटीग्रेशन जीरो से एक्स, तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह क्या कर दिया, टी, क्योंकि अगर हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स है इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ आ गई, इंटीग्रेशन के अंदर अगर हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो दिस। ठीक है बेटा, अब ये क्यों लिखा ये चीज भी आपको पता चल गया होगा कि इंटीग्रल जब इक्वेशन हमारे पास बन के आएगी तो उसके अंदर अननोन फंक्शन हमारा इस तरीके से बैठा होता है, इस टाइप का, तो ये हमारे पास पहली वैल्यू निकल गई। अब इसको हम यहाँ पे कर देंगे दिस, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। ओके अब देखो यहाँ पे बेटा हमने स्टेप नंबर टू में हमें यहाँ थे, हम यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए, तो एक स्टेप तो क्लियर हो गया हमारा। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, एक बार और इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, और किसकी करनी पड़ेगी, इस वाले पोर्शन की, सॉरी इस वाले पोर्शन की। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर जो स्टार है यहाँ तक पहुंच गए हम। ठीक
ठीक है। इक्वेशन नंबर जो स्टार है इसको हम क्या करेंगे, इसकी एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन स्टार विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to x, वही चीज करनी है, एक्स के रेस्पेक्ट में करनी है और कहां से, 0 से x तक, ठीक है। तो देखो अगर इक्वेशन स्टार है मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम किसकी, इस वाले पोर्शन की, तो ये आ जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, कहां से, 0 से x तक, ठीक है। इतना क्लियर, इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों साइड कर रहे हैं ना, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, कहां से, 0 से x तक, और जो ये वाला पोर्शन है ये हम एज इट इज लिखते। बात समझ आ गई बेटा, ठीक है। अब देखो वही फंडा यहाँ पे करना है सेम, 0 to x, इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस dy अपॉन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक बार और डेरिवेटिव, ठीक है। देखो एक डेरिवेटिव यहाँ पे एक यहाँ पे, इसका एक बार और करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, इसको अंदर पहुंचा दो, 0 to x 1, ये आ जाएगा dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to x, एक ही वाला 0 to x, u ऑफ x dx और dx, इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। सिंपल सा, इसको इस तरीके से लिखा, इसको अंदर लेके, ये चीज आ गया हमारे पास, ठीक है। यहां से दिस, यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा इंटीग्रेशन 0 से x d और इसका डेरिवेटिव, इतना क्लियर बेटा। अब देखो इसका क्या होता है हमारे पास, ये तो चलो अभी इन्होंने एज इट इज लिखा हुआ, ठीक है। तो दिस प्लस, अब देखो आपने वो वाला पोर्शन पढ़ा होगा बेटा, कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल इनटू सिंगल इंटीग्रल, कि अगर मेरे पास मल्टीपल इंटीग्रल आ जाए तो उसको सिंगल इंटीग्रल में हम जब कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पर करना, कि जितनी बार भी है इंटीग्रेशन का साइन, जितनी बार भी है इसको लिखना है ओनली वन टाइम, मतलब एक बार, ये यू ऑफ एक्स एज इट इज। अब जो ये है कितनी बार है, 2 बार, तो इसके ऊपर लगा देना, क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे बेटा लिखी हुई है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इंटीग्रेशन dx क्या होता मेरे पास, x, ठीक है, ठीक है, इसके साथ वाला, तो वही चीज है इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो इसके साथ वाला, तो मेरे पास इंटीग्रेशन इसकी क्या आ जाएगी, dy अपॉन dx और लिमिट्स एज इट इज, और ये पूरा का पूरा पोर्शन मेरे पास एज इट इज, 1 मिनट बेटा, लिमिट्स है यहाँ पे, ठीक है। अब आप मैच कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5, देखो dy अपॉन dx लिमिट 0 to x प्लस, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं बेटा, अब देखो यहां पे आने के बाद हमारे पास सिंपल सी चीज है बेटा, यहाँ इससे पहले हमारे पास जो आया वो ये था डी वाई अपॉन, जो पीछे भी आया हमारे पास यहाँ पे दिस, और यहाँ पे था हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से x dx, यू ऑफ एक्स पे ना dx ही था, एक बार देखते ये दिस इंटीग्रेशन दिस और प्लस इंटीग्रेशन 0 से x यू ऑफ एक्स और दिस, ये था हमारे पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको अगर हम देखेंगे तो हमारा काम क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर वही चीज अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब इसको हम छोटी क्लासेस में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, इस तरीके से, तो इसकी जगह मैं ये लिखूंगी, मैंने वही चीज बोला, सिर्फ रिप्रेजेंट करने वाला फंडा यहाँ पे यूज हो रहा है, कि जब मुझे इस चीज की जरूरत पड़ रही मैं वो वाली चीज ले रही हूँ, जब उस चीज की जरूरत पड़ रही मैं वो, ठीक है, जिस चीज की भी जरूरत पड़े हम वही वापस ले लेते हैं। तो इसको मैं लिख सकती हूँ दिस, इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो इसका क्या होगा मेरे पास, डी एक्स का क्या होता है, एक्स लिमिट
ये एज इट इज रखो अभी। अब देखो यहाँ पे बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स की जगह एक्स माइनस एक्स की जगह जीरो, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स माइनस एक्स की जगह जीरो। अब ये मेरे पास चीज एज इट इज, कोई दिक्कत बेटा? ठीक है, अब देखो यही चीज तो यहाँ पे लिखी। अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं वापस, वही चीज dy अपॉन dx, तो यही चीज हमारे पास लिखा हुआ dy अपॉन dx माइनस y डैश जीरो इक्वल टू, अब देखो x माइनस जीरो क्या हो जाएगा, x प्लस इंटीग्रेशन जीरो से x u of x dx इसके। ठीक है बेटा, तो आई होप यहाँ तक ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये चीज एज इट इज। अब y डैश जीरो मतलब y डैश ऑफ x की वैल्यू एट जीरो पे वो देखेंगे, क्या दी हुई हमारे पास कंडीशन दी हुई होगी ना, इनिशियल कंडीशन में हमारे पास इसकी वैल्यू दी हुई है बेटा वन, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे वन रख देंगे। तो जब मैं इसकी वैल्यू देखो यहाँ पे माइनस वन रखूंगी, ठीक है, और यहाँ पे dy अपॉन dx, तो ये इक्वल टू ये माइनस वन इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया प्लस, और ये पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज x प्लस इंटीग्रेशन जीरो से x u of x dx इसके। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर सिक्स। अब देखो जब भी मेरे पास इसको सॉल्व किया, मेरे पास आ गया dy upon dx की वैल्यू निकल के आ गई, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर जो अननोन फंक्शन बैठा है वो इस तरीके से बैठा है, इसे मुझे किस चीज में चेंज करना है, इस फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देंगे, यहाँ पे x की जगह क्या कर देंगे t, क्योंकि इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करने पर कोई फर्क, उसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो और पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन जीरो से x, यहाँ पे x की जगह क्या कर देंगे t। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा कि हमारे पास जो ये वाला पोर्शन था जीरो टू एक्स यू ऑफ एक्स डी एक्स इसके, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वेरिएबल चेंज कर दिया, ये लिख देंगे इसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन मुझे u ऑफ t की शकल का चाहिए, u ऑफ x की शकल का नहीं चाहिए, इसलिए हम करते हैं। ठीक है बेटा, तो हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब बेटा आपने जब हमने कन्वर्जन ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल इंटू सिंगल इंटीग्रल वाला पोर्शन किया था, ठीक है, तो उसमें हमने इसको तो लिखना सीख लिया था कि जब हमारे पास ऐसे हो, है ना, तो इसको हम सिंगल में मतलब लिखने का तरीका, ये एक तरीका होता है, बट इसको सिंगल इंटीग्रल में कैसे चेंज करते हैं उसका हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है देखो, ठीक है, एफ ऑफ टी दिस, ये होता है हमारे पास, तो इसको आपने कैसे ध्यान रखना, ये चीज एज इट इज, ठीक है, एफ ऑफ टी भी एज इट इज, डी टी भी एज इट इज, इस एन के लिए यहाँ पे एक फैक्टर आता है एक्स माइनस टी, और इसकी पावर में इससे कम, और जो पावर में है इसी का फैक्टोरियल, तो वही चीज हमने यहाँ पे अलाउ करना है। ठीक है, कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, यू ऑफ टी डी टी, ठीक है, और यहाँ पे है टू, एन की जगह क्या है मेरे पास टू है, यहाँ पे जीरो से एक्स, ठीक है, यस इट इज, ओके, क्लियर बेटा। तो यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है, या तो आप फॉर्मूले में यहाँ पे एन की जगह टू पुट कर दो, या आपको किस तरीके से याद रखना है, ये एज इट इज u of t as it is, dt as it is, इस 2 के लिए एक फैक्टर यहाँ पे x माइनस टी आएगा, इस 2 में से एक माइनस करेंगे इसकी पावर पे, और इस सी का जो पावर में उसका ही फैक्टर होगा, इस तरीके से मैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा होते हैं, तो फॉर्मूलाज आप कहाँ तक याद रखोगे, ठीक है, तो आपको माइंड में किस तरीके से सेट करना है वो चीज मैं बता रही हूँ, कि जब मेरे पास ऐसे आ जाए तो आपको क्या करना है, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, इस 2 के लिए एक फैक्टर आएगा x माइनस टी,
इसकी पावर में से 2 में से एक कम और जो पावर में उसी का फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी बेटा तो इंटीग्रेशन 0 से x, x माइनस के टी, अब यहाँ पे 2 माइनस के 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस के 1 1 फैक्टोरियल u ऑफ t एंड dt, ठीक है। अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1, तो इसके नीचे यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा अपॉन में 1, तो किसी के अपॉन में 1 होता है वो चीज एज इट इज, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है एज इट इज इंटीग्रेशन 0 से x x माइनस के t u ऑफ t dt, ठीक है बेटा बात समझ आ गई। तो ये आ गया मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ये वाला पोर्शन था तो मल्टीपल इंटीग्रल को हमें सिंगल इंटीग्रल में चेंज करना, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हमें फॉर्मूला तो ध्यान रखना, पर फॉर्मूले को माइंड में कैसे सेट करना है वो चीज ध्यान रखनी है। तो मैं बार बार फॉर्मूला ना लिख के जो माइंड में सेट किया है फॉर्मूले को उसी बेस पे हम काम करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां से हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल के आ गई, कोई दिक्कत बेटा। अब देखो स्टेप नंबर 2 ही चल रहा है अभी, ठीक है। अब मेरे पास बेटा ये वाली वैल्यू क्या है निकल गई, ये हाथ है, यहां से एक बार इंटीग्रेशन करके यहां पहुंच गए, फिर इसकी एक बार इंटीग्रेशन करके हम यहां पहुंच गए। अभी डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर नहीं हुआ, तो फिर एक बार और इंटीग्रेशन हम करेंगे, ठीक है बेटा क्लियर। तो इक्वेशन नंबर 6, ये तो हमने देखो जब यहाँ पे 6 में हमारे पास आ गया था dy upon dx, बट इंटीग्रेशन के अंदर अननोन फंक्शन जो है u of x की फॉर्म में बैठा था, तो उसे चेंज करेंगे हम u of t की फॉर्म में, वेरिएबल चेंज कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करके ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम इक्वेशन नंबर 6 पर ही जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका फिर से हम एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है क्लियर बेटा। तो देखो इक्वेशन नंबर 6 को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ लिख भी सकते हो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फ्रॉम 0 टू एक्स, ठीक है इतना क्लियर हो गया। अब देखो इक्वेशन नंबर 6 है, मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एक्स तक, ओके। अब इधर इक्वेशन नंबर 6 में क्या है डी वाई अपॉन dx इक्वल टू, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन कर रही हूँ मैं 0 से x तक, किसके रेस्पेक्ट में कर रही हूँ बेटा, x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे दिस। अब जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 में है वो चीज एज इट इज लिख दो, 1 प्लस x प्लस इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ x dx दिस, क्लियर बेटा ओके। अभी यहाँ पे हमने v गेट मतलब पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, तो वो सॉल्व करके कैसे आया वो मैं बता रही हूँ बेटा, ये लिख लेना ठीक है यहाँ पे। अब देखो इससे दिस, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से x ये बचेगा मेरे पास दिस इक्वल टू, इसे अंदर ले जाओ इंटीग्रेशन 0 से x dx, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करेंगे इससे dx ही हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से x x dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से x। अब देखो ये वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है, अब इसको मैंने किसको लिखा था u of x dx dx, यहाँ पर 0 से x 0 से x, जब मैंने आपको बताया था कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। मेरे पास ये आया था वहां पे बनके, तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया था, ठीक है। ये जितनी बार भी है उसको एक बार u of x और ये जितनी बार है वो ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे जब इसको अंदर लेके जा रही हूँ तो इसकी जगह बेटा यहाँ पे क्या बैठा, ये किसके इक्वल है, इसी के तो इक्वल है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसकी जगह क्या बैठा हुआ है वहां पे, यहाँ पे बैठा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से x, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से x u ऑफ x dx और dx,
u(x) dx, ये बैठा हुआ। तो जब बेटा ये वाला इंटीग्रेशन अंदर जाएगा, तो एक तो ये है, ये ऊपर कितने बैठे हैं, दो, तो दो ये आ गए, ठीक है। और u(x) dx, मैंने ये वाले बैठा दिए, ये पूरा का पूरा पोर्शन एज इट इज बाहर से आया ये, और एक dx, या इसको आप ब्लैक से लिख लो तो ज्यादा सही रहेगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। बस हमें वहां पे इसको इस तरीके से लिखा, ठीक है, इस वाले पोर्शन को इस तरीके से लिखा। अब हमें जब इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको अंदर लेके जा रहे हैं, तो हमें इसकी जरूरत थी कि इसको एक बार खोल के देख ले, जिससे हम आसानी से ये चीज लिख सके, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन dx क्या होता है मेरे पास, x मतलब इसके साथ वाला, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके साथ वाला, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y, ठीक है, y किसका फंक्शन है, x का, y, क्लियर। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है मेरे पास, x, जीरो लिमिट रख दी, इसका क्या हो जाएगा x का, x स्क्वायर बाय 2, यही होता है हमारे पास, ठीक है। प्लस अब देखो ये जितनी बार भी है इसको हम कितनी बार लिखेंगे, एक बार, u(x) एज इट इज ये जितनी बार भी है वो इसके लग जाएगा ऊपर। तो आई होप ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी आपको, ठीक है बेटा। अब अगर मैं इसको देखूं तो अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, x की जगह 0, अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, प्लस अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट, एक्स की जगह 0 रखेंगे 0 बन जाएगा, प्लस दिस, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है बेटा, देखो थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, देखो y(x) - y(0) इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है पूरा, इंटीग्रेशन 0 से x dx 1 प्लस एक्स का, तो मैंने यहाँ पे 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं ना, 0 से x dx मैंने अलग अलग कर दिया था, ठीक है, प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से x u(x) dx, इंटीग्रेशन 0 से x u(x) dx। तो आई होप यहाँ तक ये चीज आपको समझ आ गई। इसको सॉल्व करेंगे जब, देखो यहाँ पे अब आगे सॉल्व करते हैं, y(0) की वैल्यू क्या है, y(0) की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पे y(0) की वैल्यू रख देंगे माइनस के 1/2, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस ओ भाई इक्वल टू x, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर बाय 2, तो यही चीज देखो x प्लस x स्क्वायर बाय 2 सॉल्व करके, ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन दिस। u(x) dx, इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब देखो ये इधर माइनस में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में, तो इधर चले जाएंगे हम, तो ये आ जाएगा मेरे पास, और सब चीजें ऐसे, ठीक। तो यही चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है, y(x) = 1/2 प्लस x प्लस x²/2 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x u(x) dx। अब देखो यहाँ पे आने के बाद मैंने वही चीज है, मेरे पास y की वैल्यू निकल गई, अब यहाँ पे आने के बाद सिंपल सा फंडा है, इंटीग्रेशन के साइन अंदर मुझे u(t) टाइप का चाहिए, बैठा है u(x) टाइप का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वेरिएबल चेंज करेंगे, तो हम सिंपल सा यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देंगे और सब चीजें एज इट इज रहेगी। हमें पता है इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल चेंज करने पर इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास y की वैल्यू निकल के ये आई है, ठीक है, बट मुझे पता है कि इंटीग्रेशन के अंदर मुझे चाहिए u(t) टाइप का, यहाँ बैठा u(x) का टाइप का, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज करेंगे, और वेरिएबल चेंज करने पर इंटीग्रेशन पर कोई
फर्क, इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतना क्लियर हो गया, तो यहाँ तक आई होप ये बेटा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे आने के बाद अब क्या करना है, अगर आपको बेटा यहाँ दिखाई दे रहा हो दिस, अब यहाँ पे मेरे पास ये चीज बैठा है, ये क्या है, मल्टीपल इंटीग्रल, बट मुझे इसे कन्वर्ट करना है सिंगल इंटीग्रल पे। ठीक है, तो उसे हम कैसे करते हैं, सिंपल सा फंडा, ये चीज एज इट इज, ये चीज एज इट इज, ये चीज एज इट इज, इस तीन के लिए, थ्री के लिए मेरे पास यहाँ पे एक फैक्टर आएगा एक्स माइनस के टी, और इसमें से एक कम करेंगे इसकी पावर पे, और जो ऊपर है वही नीचे है उसका फैक्टोरियल। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इंटीग्रेशन 0 से एक्स एक्स माइनस टी की पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल यू ऑफ टी और डीटी। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, 1/2 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन 0 से एक्स एक्स माइनस टी की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल यू ऑफ टी डीटी। तो यहाँ पे हमारे पास y ऑफ x की वैल्यू निकल के आ गई, और यहाँ पे फाइनली हमें ये मिल गया। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब देखो यहाँ थे हम, एक बार इंटीग्रेशन करी ये मिल गया, फिर एक बार इंटीग्रेशन करी ये मिल गया, अब एक बार और करी इंटीग्रेशन ये मिल गया, अब यहाँ पे आके डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर हो गया। तो ये था हमारे स्टेप नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप नंबर थर्ड क्या कहता है बेटा, स्टेप नंबर थर्ड ये कहता है कि स्टेप नंबर सेकेंड में जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई, जैसे मेरे पास इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, जो भी वैल्यू निकल के आई है उनको हम अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस, इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुट करके सॉल्व करेंगे। दिस इज स्टेप नंबर थर्ड। ओके, क्लियर बेटा? तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स डिस्के वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्यूब एंड वाई इन द गिवन इक्वेशन फर्स्ट एंड वी कैन। ठीक है, सभी के सभी वैल्यू हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास क्या है, y दिस, वैसे लिख लेते हैं ना, y ये है मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू 0। आई होप यही है। माइनस के टू एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया? अब इसमें हमने जो हमारे पास वैल्यूज है उनकी वैल्यू गिवन, मतलब उनकी वैल्यू पुट करनी है। अब मेरे पास देखो इसकी वैल्यू क्या है, u of x, तो इसकी वैल्यू मैंने, मेरे पास क्या है u of x माइनस 2x। अब y की वैल्यू मेरे पास क्या है, दिस पूरी की पूरी वैल्यू है मेरे पास y की, क्या वैल्यू है मेरे पास, 1/2 प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन 0 से x x माइनस, कोई बात नहीं, x माइनस के टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल u ऑफ t dt। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू 0। सिर्फ कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें उसकी वैल्यू पुट की है, तो u ऑफ x माइनस 2x, और जो y है y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी, 1/2 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1। देखो यहाँ पे ये चीज किया गया है 1/2 है ना, यहाँ पे ध्यान देना, ये पूरी की पूरी वैल्यू रख के इक्वल टू 0। अब ये चीज मेरे पास एज इट इज है, माइनस के 2x दिस,
वन बाय टू प्लस के एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस। अब देखो टू फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, टू, तो इसके अपॉन में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टू, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रेस्पेक्ट में, तो टू मेरे पास क्या है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन से क्या आ जाता है ये बाहर, तो ये मेरे पास आ गया वन बाय टू बाहर। तो इंटीग्रेशन जीरो से एक्स एक्स माइनस टी की पावर टू यू ऑफ टी डी टी इक्वल टू जीरो जीरो, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, वन बाय टू और दिस इक्वल टू जीरो। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब आगे इसको सॉल्व किया है, अब देखो सॉल्व कैसे किया, यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको ना मतलब टू एक्स को अंदर ले जाओ पूरे को, ठीक है, तो मैं टू एक्स को क्या लेगी अंदर करके लेगी, तो जब टू एक्स को अंदर ले जाऊंगी तो यहाँ पे वन बाय टू प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, प्लस माइनस 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 टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स, प्लस माइनस माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाय टू। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास टू एक्स है, यहाँ पे वन बाय टू, अब पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जीरो से एक्स एक्स माइनस टी की पावर टू यू ऑफ टी डी टी इक्वल टू जीरो। इतना के लिए अब देखो यहाँ से टू कैंसिल, इस टू से टू कैंसिल, इस टू से ये टू कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग बचा है यू ऑफ एक्स माइनस एक्स, ठीक है, माइनस के टू एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और माइनस के ये एक्स है, ये एक्स को मैं अंदर लेके जा रही हूँ। इंटीग्रेशन जीरो से एक्स 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 माइनस टी की पावर टू यू ऑफ टी डी टी इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत बेटा। अब देखो मुझे निकालनी है यू एफ एक्स की वैल्यू, तो मेरे पास यू एफ एक्स एज इट इज यहाँ पे, अब ये पूरा का पूरा पोर्शन कहाँ उठा के इधर, तो ये मतलब इक्वल टू के इधर लेके जाएंगे, ये माइनस में इधर आके प्लस में, ये माइनस का इधर आके प्लस में, ये माइनस का है ठीक है इधर आके प्लस में, इतना क्लियर, ये माइनस का इधर आके प्लस में, ओके क्लियर बेटा, इतना हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो यहाँ पे एक और दो, यहाँ पे थ्री आएगी, ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स माइनस के टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस के एक्स की पावर थ्री, वन प्लस टू थ्री, ओके। तो ये आप देखो यहाँ पे चेक कर लो यू ऑफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे कॉमन लिया हुआ है, अगर हम यहाँ से कॉमन लेंगे एक्स तो वन प्लस टू एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, इतना के लिए। तो एक्स कॉमन ले लिया, वन प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये वाला, इंटीग्रेशन जीरो से एक्स एक्स माइनस टी की पावर टू पूरे की पावर टू यू ऑफ टी डी टी, देखो नीचे देख लो। अब ये मेरे पास किसका बन रहा है, ये तो एज इट इज रखो बेटा, ये एज इट इज, ठीक है। अब मेरे पास आपको पता होगा वन प्लस एक्स की पावर टू का फॉर्मूला क्या होता है, पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करके टू से मल्टीप्लाई, ठीक है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस के टू ए बी, ये वाला फॉर्मूला ना मेरे पास ए प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, ए स्केयर प्लस के बी स्केयर प्लस के टू ए बी, तो इसका यूज किया, क्लियर बेटा। तो वन प्लस एक्स स्केयर प्लस के टू एक्स, अब यही चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है वन प्लस टू एक्स प्लस के एक्स स्केयर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ दिस, तो ये आ गया एक्स वन प्लस के एक्स का होल स्केयर, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो यहीं पर हमने ये चीज लिख दी, यहाँ पे आ जाएगा यू ऑफ एक्स, तो यू ऑफ एक्स
ठीक है, यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन में एक्स एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर यू ऑफ टी डी टी, यही चीज हमारे पास यहाँ पे निकल के आ रही थी। ठीक है, क्लियर बेटा, एक्स एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर यू ऑफ टी डी टी, तो दिस इज इंटीग्रल इक्वेशन, ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया। ओके, करना कुछ नहीं है, और ये स्टेप नंबर, यहाँ पे जब सॉल्व करके जो फाइनली रिजल्ट आता है, दिस इज स्टेप नंबर फोर। करना कुछ नहीं है, सिंपल सा वही फंडे हैं, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, उसको इंटीग्रल इक्वेशन में लेके आना है, और इनिशियल कंडीशंस मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड कंडीशंस हमें गिवन होंगी। तो हमें क्या करना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको इक्वल टू अननोन फंक्शन के मानना है, स्टेप नंबर फर्स्ट। फिर इसको तब तक इंटीग्रेट करना है जब तक कि डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ओवर ना हो जाए, स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर थर्ड में जो वैल्यूज निकल के आई है उसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है, पुट करके उसको क्या करना है, लास्ट में सॉल्व करना है, और फाइनली हमें स्टेप नंबर फोर में हमें इंटीग्रल इक्वेशन हमें मिल जाएगी। बस आपको इस बीच में ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम ये चीज निकालेंगे, जैसे इंटीग्रेट करके इससे ये निकाली, तो जो मेरे पास एक वैल्यू निकल के आ गई ये, तो इंटीग्रल के अंदर जहां आपको नॉन फंक्शन यू ऑफ एक्स का दिख जाए तो वहां पर वेरिएबल चेंज कर देना, सिंपल सा ये चीज ध्यान देना। जहां पर भी जहां जहां हम वैल्यू निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई ये, तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देना, क्योंकि मुझे इस टाइप का चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई थी ऐसे इस फॉर्म में, तो मुझे तो वाई ऑफ एक्स की वैल्यू में अनोन फंक्शन मतलब इंटीग्रल साइन के अंदर अनोन फंक्शन इस टाइप का चाहिए। बस ये चीज ध्यान देना है कि जब भी हमारे पास ये वैल्यूज निकले, ये मतलब इसके बाद जो वैल्यूज निकले, निकलने के बाद जो भी आ रहा है, अगर इंटीग्रल साइन के अंदर, इंटीग्रल साइन के अंदर अननोन फंक्शन ऐसे बैठा है, इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो, तो उसे हमें चेंज कर देना है इसमें। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आज का लेक्चर बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।